बलमी हवाई अड्डे के एक तरफा फैसले के विरोध में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 किसानों ने कंसा चौक से लेकर डडोर तक रैली में भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने बल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को गैर उपजाऊ जमीन में बनाने की मांग उठाई तथा सरकार द्वारा किसानों से बात के बिना एक तरफा फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बल घाटी, जिसे मिनी पंजाब से जाना जाता है, पर राज्य सरकार प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के कारण उपजाऊ जमीन को पूरी तरह से तबाह करने पर तुली हुई है, जबकि अधिकतर आबादी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक है। अतः सरकार से मांग की जाती है कि उपजाऊ जमीन को बर्बाद होने से बचाया जाए। अध्यक्ष जोगिंद्र वालिया ने बताया कि एक तरफ राज्य सरकार फोरलेन में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पूर्णतः लागू नहीं कर रही है, जिसके अनुसार जमीन का 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास पुनर्स्थापना बाजार भाव पर जमीन का मूल्य, जमीन के बदले जमीन परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है, उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार इस कानून को लागू करने से मुकर गई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अधिग्रहण की जाने वाली जमीन को उचित मुआवजा देने की झूठी बात कर रहे हैं, जबकि प्रस्तावित हवाई क्षेत्र में जमीन के सर्कल रेट इतने कम है कि जमीन कौड़ियों के भाव जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा घोषित सर्कल रेट 2.05 लाख से 11.20 लाख प्रति बीघा है, जबकि किसान 3 से 4 लाख प्रति बीघा नकदी फसलों से प्रति वर्ष कमा रहा है। किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम ने कहा कि बल घाटी में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें 8 गांव एक तरफ ढावण से कुंभी और दूसरी तरफ डुगराई से डायोडा तक 3,150 मीटर लंबी रनवे, जिसमें लगभग 2,500 मकान, 13,000 जनसंख्या इस हवाई पट्टी की जद में आ जाएंगे। अपनी उपजाऊ जमीन, जिसमें हर साल लाखों की नकदी फसलें उगाते हैं, उसमें पूरी तरह से बेदखल हो जाएंगे। सरकार किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को पूरी तरह अनदेखी कर रही है। पूर्व प्रधान डटोर श्यामलाल चौधरी ने कहा कि हमारे गांव का नामो निशान तक मिट जाएगा और हमारी जनता बेघर हो जाएगी। अतः हम हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हिमाचल सरकार मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बल के बजाय दूसरी जगह पर बनाया जाए व उपजाऊ जमीन को बर्बाद होने से बचाया जाए। उपरोक्त रैली में बीडीसी सदस्य भारती, महिला मंडल प्रधान इंदिरा देवी, पूर्व प्रधान डडोर श्यामलाल, पूर्व प्रधान भौर गुरिया राम नायक, पूर्व प्रधान डडोर वार्ड मेंबर शकुंतला, वार्ड मेंबर सुनीता, किसान सभा से परशुराम प्रेमचंद सैनी, गुलाम रसूल, जोगिंद्र वालिया अध्यक्ष, नंदलाल वर्मा सचिव, चुन्नीलाल सकलानी, हलीम अंसारी, रामजी दास, प्रेमदास चौधरी, हरिनाम आदि शामिल हुए। साथ एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और गवर्नर हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाएगा। उसमें मुख्य मांग हमारी है कि जो सरकार पिछले 2.5 साल से ये जो हिमाचल की सरकार है जयराम के नेतृत्व में, उन्होंने जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट इसमें तय किया है कि बल के अंदर जो है एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उस एयरपोर्ट का हम जो है घोर जो है वो क्या बोलते हैं उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने बिना किसानों को पूछे और बिना किसानों से बात किए जो है वो एयरपोर्ट बनाने का सपना सुझ दिया। उन्हें मालूम होना चाहिए, वो किसान के बेटे हैं, कि बल का किसान आज पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो है वो नकदी फसलें उगाता है। और आज जो है आज वो जो किसान है वो टमाटर से लेकर दूसरी सब्जियां जो उगाता है और उससे जो है वो 3-4 लाख रुपये बीघा जो है कमा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो सरकार है वो बिना किसानों से बात किए एक तरफा फैसला करने जा रही है, जिसके विरोध में आज हम जो है वो रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो इलाका है ये 2448 में हमारे किसानों ने बड़े संघर्ष के बाद जो है वो प्राप्त किया था। आज उस 2448 के इलाके को जो जमीन हमारे किसानों को मिली थी उसके छीनने की कोशिश जो है वो जयराम सरकार करने जा रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि आज किसान जो है वो अपनी फसलें उगाकर अपने रोजगार पैदा कर रहा है, बच्चों को जो है उनको पढ़ा लिखा रहा है, इसके जमीन के कारण आज इस जमीन को वो जो है वो लेने के फिराक में है। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे और ये मांग करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, इसको कहीं बंजर जमीन पे यहाँ से कहीं और जगह जो है
बनाया जाए। धन्यवाद। इसमें जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो इतनी है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे ने ये सरकार को कहा है कि इस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन सकता, इसमें डोमेस्टिक अड्डा बनेगा, यानी कि 72 सीटर आएगा जैसा भुंतर का एयरपोर्ट है। और अगर आपने बड़ा एयरपोर्ट बनाना है तो आपको बंदरी धार काटना पड़ेगी। मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है, ये हिमाचल सरकार को जब बड़ी बड़ी जो सर्वे करके कर कंपनी आई है उसने इनकार कर दिया है, फिर भी जयराम जी है वो अपने जिद पे क्यों उड़ा है, क्यों किसानों को बल्कि किसानों को जाड़ना चाह रहा है और लगातार एक तरफा कर रहा है। हमने कितनी बार टाइम लिया, हमने MLA जो हमारे इंदिर गांधी है उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि आप हमारे को मिलाओ, उन्होंने भी मिलाया। उसके बाद हमने विनोद से बात की जो नाचड़ के विधायक है, उन्होंने भी अभी तक नहीं की। हालांकि हमें अपोजिशन के जो MLA है उनसे भी बात की, माननीय प्रकाश चौधरी से, ये भी उप मुख्यमंत्री से मिला है, इस जमीन को बचाने में हमारी मदद करे, पर अभी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी जो है वो किसानों के साथ नहीं आ रहा है, राजनीतिक तौर पे अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बल के किसानों का दर्द कोई नहीं छोड़ने जा रहा है। इसलिए इसके अंदर सब किसान इकट्ठे हैं, 8 गांव के किसान इकट्ठे हैं और वो एक आवाज है उनकी कि इसको जो है कहीं और पे बनाया जाए। अगर वो नहीं बनाते हैं तो आने वाले दिनों में जो हमारी बल बचाओ संघर्ष समिति है वो फैसला करेगी कि हम इस जो संघर्ष को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से और लंबा करेंगे। अभी तक हम नहीं चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मंडी से है कि उनके खिलाफ कोई बात प्रदेश में जाए, लेकिन वो जिस तरह का आड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया है उस आड़ियल रवैये को के खिलाफ जो है हम आगे बढ़े, जो संघर्ष है उसके बारे में अपनी रूपरेखा इसके बाद बढ़ाएंगे। धन्यवाद। एक रैली मंडी की थी जो हमारी बहुत सफल हुई, उसके पश्चात हमने एक रैली SDM बल में की, ऑफिस में गए और वहाँ की हमने, और दूसरी तीसरी रैली हमने SDM सुंदर नगर को ज्ञापन देकर के की। बड़े दुख की बात है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे गृह जिला से हैं और हमने क्या सोचा था और क्या हो गया ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। बल का किसान, जैसा कि साथी वालिया जी ने कहा, जमीनें कैसे हासिल की गई, हमारे बुजुर्गों ने कैसे उसके ऊपर अपना हल चलाया, जीविका चलाई, अनपढ़ता थी, आज बच्चे नौजवान हो गए, पढ़ लिखे लिख गए, सरकार के पास नौकरी नहीं है, फिर भी बल का जो नौजवान है एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। कई बार हमने मिलने के लिए भी समय मांगा मुख्यमंत्री से, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, और उसमें ऐसा लगता है कि जो कुछ अधिकारी हैं उनके ऑफिस में या हमारे जिला में या उपमंडल स्तर पर हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। और मेरी जो CIT के हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि उनको एक जो सच्ची रिपोर्ट है उसको पेश करें, नहीं तो आने वाला समय सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा और ये जो संघर्ष समिति है अपना किसी भी तरह का कोई भी फैसला ले सकती है। हमें थोड़ा मत आंके, हमें थोड़ा मत आंके क्योंकि अभी ये जो समय है ये एक सीजन का समय है। हमारा किसान, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग खेतों में डटे हैं, लेकिन हमने वहां से जो जरूरी हुआ उनको हमने कॉल की कि आप यहाँ हाजिर हो। टमाटर का सीजन जो है तैयारी पर है, दूसरी जो गर्मियों की सब्जियां हैं, नकदी सब्जियां हैं, उनको भी बीजने का समय आ गया है। जो सब्जी हमने लगाई थी उसको काटने का समय है, और हम चाहते हैं कि जो हवाई अड्डा है इस हवाई अड्डे को ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ बंजर जमीन हो, सरकारी जमीन